तो श्रमण का मतलब होता है समता में रहने वाले लोग। श्रमण में और समण में सिर्फ श्रेय का अंतर है, श्रेय मण और सय मण। ये श्रेय शब्द हमारा नहीं है, ये श्रेय शब्द बाहर के लोगों ने आके बदला, सय को श्रेय कर दिया, पर इसका अर्थ भी बदल दिया साथ में। उन्होंने श्रेय से श्रम बना दिया और श्रम करने से कह दिया कि हम श्रम करने वाले लोग हैं और हम जीवन भर श्रम करें। हम राजा लोग हैं, सम्राट अशोक की संतान हैं, महासमण बुद्ध के वंशज हैं, हम जीवक जैसे डॉक्टर की संतान हैं, हम जो सुदत्त जैसा व्यापारी जो पूरी दुनिया को चलाता था उसकी वंशज हैं, उसकी संतान हैं, बहुत विशाल सभ्यता के मालिक हैं। और उस सभ्यता का नाम है समण सभ्यता, समण कल्चर। ये समण संघ पहले भी था और ये समण संघ आज भी है। पहले कब था? जब आप डॉक्टर अम्बेडकर की वो किताब पढ़ोगे भगवान बुद्ध और उसका धम्म, तो उसमें लिखा हुआ है कि सिद्धार्थ गौतम ने 21 साल की उम्र में अपने शाक्य समण संघ में प्रवेश किया और उसके नियम माने, तो वहाँ से और उससे पहले से चला आ रहा है। समण संघ की बहुत सारी बातें हैं, यहाँ किताब रखी हुई है, एक समण ग्रंथ रखा हुआ है 25 रुपये में, 25 में छपता है, 25 में मिलता है। कम से कम 4-4 लेके जाना, अपने रिश्तेदारों को दे के जाना। समण कल्चर के सारे प्रश्नों के जवाब उसमें हैं। जो प्रश्न आपके यहाँ हों वो यहाँ पूछें। और जो समण संघ है वो साल में 6 महीने में 3 महीने में सब लोग इकट्ठा हुआ करते थे, बच्चे सब आते थे, महिलाएं आती थी, पारिवारिक संगति होती थी। वो संगतियों का दोबारा से कल्चर, दोबारा से सभ्यता वापस आ गई है। जैसे ही आज की संगति हो रही है तो अभी तो पढ़ाना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है कि समण क्या है, कल्चर क्या है, ये क्या है, तो खुशी नहीं मना पा रहे ज़्यादा। पर वहाँ दिल्ली में जो 11 फरवरी 2024 को है वहाँ ज़्यादा भाषणबाजी नहीं होगी, वहाँ पर समझाना कम होगा, मौज मस्ती ज़्यादा होगी। परिवार के साथ आना है, एक व्यक्ति का खुद का खाने का खर्चा, बैठने का खर्चा, बिजली पानी टेंट वगैरह लाइट वगैरह दिल्ली का थोड़ा महंगा होता है, ऑडिटोरियम का खर्चा सब कुछ मिला के 350 रुपये है एक आदमी का। और अगर 10 साल से 18 साल का कोई बच्चा है, हमारा युवा है, तो उसके आधे पैसे हैं 175 रुपये, और छोटा बच्चा 10 साल से छोटा है तो मात्र 25 रुपये उसके हैं। ये टिकट कटवा के जाना यहाँ, क्योंकि पूरे देश से और दुनिया से लोग आ रहे हैं और सबको अपने समण परिवार से मिलना है। तो कहेंगे भाई मिलके क्या होगा, मिलके आपकी सारी चीज़ें वापस आ जाएंगी, आपके विश्वगुरु, आपकी सत्ता, आपकी फैक्ट्री, आपके खेत, आपके खलिहान, आपकी इज्जत, आपकी सेहत, आपकी पढ़ाई, आपकी लिखाई, आपकी एजुकेशन, आपकी सुरक्षा मिलेगी, आपकी ज़मीन जायदाद, होटल मालिक, बैग बाग, सबकी सुरक्षा मिलेगी। क्यों सुरक्षा मिलेगी? क्योंकि जिनके पास संख्या होती है संविधान उनकी बात मानता है। संविधान का एक नियम है कि संविधान में आप कुछ भी करा लो संविधान से, पर संविधान कहता है कि मेरे को 51% संख्या चाहिए। संविधान ये नहीं कहता कि आप MLA MP बन के आना, ये नहीं कहता। संविधान कहता है 51% लोग चाहिए मुझे, लोग। क्योंकि जब 2 अप्रैल 2018 को आपका नियम ठीक हुआ, जो एटोसिटी एक्ट का बदला था, तो कहीं पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हुआ। पार्लियामेंट में जो नेता थे वो खिलाफ थे, ब्यूरोक्रेट खिलाफ थे, जुडिशरी खिलाफ थी, पर सड़कों पर जब संघ आ गया तो नियम बदल गया। वैसे किसानों के जो 3 नियम हैं जो बनाए, वो पार्लियामेंट ने बनाए थे, जनप्रतिनिधियों ने बनाए, MP MLA ने बनाए थे, पर किसानों को पसंद नहीं आए। और जब वो इकट्ठे होकर सड़क पर आ गए तो संविधान को पता चल गया, तो वो नियम हट गए। वैसे ही जब भारत को आज़ादी मिली थी तो आज़ादी कहीं पार्लियामेंट में नहीं मिली हमको, सड़कों पर जब सारे लोग आए और ये नारा लगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, और सबने उनका काम करना बंद कर दिया, असहयोग कर दिया, तो उनको लगा कि अब यहाँ सरकार नहीं चल सकती, तो वो छोड़ के चले गए। वो छोड़ के गए इसलिए क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई संघ में आ गए, तो संघ जहाँ से होता है सारे नियम वहाँ से बनते हैं। तो जो आप चाहोगे वो हो जाएगा अगर आप इकट्ठे होगे तो, और अगर आप इकट्ठे नहीं होगे तो इस बार जड़ से साफ हो जाओगे, जड़ से साफ हो जाओगे। छोटी सी बात बता के ख़त्म करूँगा, फिर आपके सवाल जवाब आएंगे, वो सब बताएंगे संगी। क्यों ख़त्म हो जाओगे? क्योंकि रोजगार के नाम पे आपके पास में सिर्फ सरकारी नौकरी बची थी और वो चली गई, सरकारी नौकरी नहीं मिलती अब।
आपके बच्चे पढ़ गए हैं, लिख गए हैं, पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, घर बेच के, कपड़े बेच के, खाना बेच के, पेट काट के, पर नौकरी नहीं है। जो प्राइवेट सेक्टर हैं उसमें आपको नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जात को देख के नौकरी देते हैं। तो हमारी कोई इंडस्ट्री नहीं, हमारी कोई फैक्ट्री नहीं, तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? खेत हमारे जा चुके हैं तो खेत में काम कैसे करेंगे? विदेश में हमारा कोई रिश्तेदार नहीं तो विदेश जाके पॉसिबल नहीं है कि हम विदेश में जाके सेटल हो जाएं। दुकान हमारी चलती नहीं जात के आधार पे, क्योंकि दुकान पे जैसे जात का लेवल लगता है, और दुकान पे आप जात छुपा नहीं सकते। बड़े शहर में तो फिर भी चल जाती है थोड़ी बहुत, छोटे शहर में नहीं चलती। तो दुकान व्यापार आपका चल नहीं सकता। तो खाओगे क्या? हॉस्पिटल सारे बिक रहे हैं तो बच्चों का इलाज कैसे कराओगे? प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्कूल हो गए हैं तो पढ़ाओगे कैसे? काम नहीं होगा तो इलाज कैसे कराओगे? इससे क्या होने वाला है? इससे होने वाला ये है कि जब कोविड जैसी बीमारी आती है तो जैसे 70-80 लाख लोग मर गए भारत के अंदर, वैसे ही लोग मर जाएंगे, उनके पास दवाई भी नहीं पहुंचेगी, इलाज भी नहीं पहुंचेगा, और काम मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि ये मशीनें आ रही हैं, मशीनें काम खा रही हैं। तो मशीनों को ज़्यादा आदमियों की आवश्यकता नहीं है। तो जब ज़्यादा आदमियों की आवश्यकता नहीं है तो जो सबसे निकम्मे, सबसे बेकार और सबसे कमज़ोर लोग होंगे वो मारे जाएंगे। और भारत में सबसे ज़्यादा कमज़ोर, निकम्मे तो नहीं है, सबसे ज़्यादा कमज़ोर लोग हम हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है। तो अगर हम अपने बच्चे का इलाज कराने हॉस्पिटल जाएंगे और हॉस्पिटल वाला 4 लाख मांगेगा, हम अपना घर बेच के दे देंगे तो फिर रहेंगे कहाँ? चोरी करके देंगे तो पुलिस मार देगी, पैसा नहीं होगा तो बच्चा मर जाएगा। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट किलिंग। इनडायरेक्ट मतलब सीधे सीधे नहीं मारा जाएगा, अपरोक्ष मारा जाएगा। और वो चल रहा है काम, वो काम चल रहा है। कुछ सुसाइड कर लेंगे, कुछ अवसाद में चले जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, कुछ उग्र होंगे, वो हमला करेंगे तो लड़के जेल चले जाएंगे। पर बच सकते हैं, बच इसलिए सकते हैं क्योंकि संविधान साथ है, और संविधान उसकी बात मानता है जो संख्या में उसके पास पहुँचते हैं। संविधान को इस बात से मतलब नहीं है कि आप लूले हो, लंगड़े हो, अफसर हो, नेता हो, पैसे वाले हो, गंजे हो, या फलाने हो या ढलाने हो, आदमी हो, औरत हो, स्त्री हो, भिक्खू हो, कोई फर्क नहीं, उसे संख्या चाहिए। आपके पास बहुत जायदाद हो सकती है, बहुत बड़े अफसर हो सकते हो, पर आपका एक ही वोट है। कोई बहुत गरीब हो सकता है, उसके पास खाने की रोटी टूटी ना, उसका भी एक वोट है। ये संविधान की खूबसूरत बात है, पर यह तभी तक काम करेगी जब तक आप इसका इस्तेमाल करने लायक रहोगे। अगर इसका इस्तेमाल करने लायक नहीं रहोगे तो फिर ये संविधान भी आपकी मदद नहीं करेगा। इसलिए आपको जुड़ना चाहिए दिन रात दिन रात। तो जुड़ने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि सारे संगठनों को कहना चाहिए ये जो सत्तक दंड है इसको ले जाके कि इकट्ठे हो जाओ बे, और जब तक तुम इकट्ठे नहीं होते हम चंदा नहीं देंगे और ना पैसा देंगे, और तुमको इकट्ठा होना पड़ेगा। ये जितने धम्म के चल रहे हैं, मतों के चल रहे हैं, सब इकट्ठे हो जाओ। जितनी राजनीतिक पार्टी को चल रहे हैं सब इकट्ठे हो जाओ। जितने लड़कों के दल वाले हैं वो सारे इकट्ठे हो जाओ। जितने सरकारी कर्मचारियों के हैं वो सब इकट्ठे हो जाओ, और फिर आपस में इकट्ठे हो जाओ सब, और जल्दी इकट्ठे हो जाओ, देर मत करो और नाटक मत करो ये जो कर रहे हो। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये है कि अगर वो नहीं इकट्ठे होते हैं तो हम इकट्ठे हो जाएं। और अच्छा ये रहेगा कि हम दोनों तरीक़ों पर चलें, उनको भी कहते रहे कि इकट्ठे हो जाओ और हम भी इकट्ठे होते चले जाएं। तो जिनको बात समझ में आती है वो समर संघ में अपना नियम चेक करें, समर संघ को देखें, समर संघ को पढ़ें, सवाल करें, जवाब करें। समर संघ अच्छा लगता हो तो लग जाएं इसमें, क्योंकि पहले भी जीते थे, फिर जीतेंगे गारंटी है। और जिनको बात समझ में नहीं आती है वो यहाँ सवाल पूछें, जवाब पूछें, और जब तक पूछते रहें, जब तक पूछते रहें, जब तक उनके सवाल का जवाब ना मिले। मेरी किसी बात से अगर किसी को कोई हानि हुई हो तो मैं संघ से माफ़ी मांगता हूँ। संघ मुझे माफ़ करे, संघ मुझे माफ़ करे, संघ मुझे माफ़ करे। संघ नमामी, संघ नमामी, संघ नमामी।